नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में हीट वेव को लेकर। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। अब प्रदेश में दक्षिणी बिहार में लू जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। आपको बता दें कि दक्षिणी मध्य बिहार और दक्षिणी पश्चिम बिहार के 8 जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि बिहार में तेज़ गर्मी और हीट वेव को देखते हुए गया, रोहतास, नवादा, नालंदा और जमुई में लू जैसे हालात हैं। बता दें कि सोमवार को बक्सर और औरंगाबाद में लू जैसे हालात रहे। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और गया में प्रदेश में मंगलवार को हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि प्रदेश में लू के हालात को देखते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रदेश में जहां एक तरफ लू जैसे हालात हैं, तो वहीं प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं जहां पिछले दिनों बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया था और बारिश हुई भी है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार को आंधी पानी की भी स्थिति रहने की बात कही गई है। बता दें कि प्रदेश में एक तरफ टर्फ लाइन गुजरने की बात कही जा रही है, जिससे कि प्रदेश के उत्तरी भाग में आंधी पानी की बात कही जा रही है। पिछले दिनों प्रदेश का सबसे गर्म जिला बक्सर रहा। बक्सर का अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री दर्ज किया गया। बता दें कि इस जिले का अधिकतम तापमान 2.4 डिग्री दर्ज किया गया, यानी कि बढ़ा हुआ तापमान जो है वो दर्ज किया गया। इधर औरंगाबाद का अधिकतम तापमान 1.6 डिग्री, जो कि उसके पूर्वतम तापमान था, उससे अधिक रिकॉर्ड किया गया, जबकि 45.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, यानी कि औरंगाबाद का तापमान जो है बढ़कर 45.1 डिग्री हो गया है, जबकि रोहतास के तापमान में 1.2 डिग्री के तापमान में गिरावट देखी गई है। इधर प्रदेश में तेज़ धूप के कारण लू जैसे हालात के बीच में अब मरीजों को की संख्या जो है वो बढ़ने लगी है अस्पतालों में। ऐसे में IGMS के इमरजेंसी वार्ड में अचानक से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इधर पटना मेडिकल कॉलेज और नालंदा मेडिकल कॉलेज के OPD में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस गर्मी को देखते हुए पटना IGMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल ने बताया कि AC घर या फिर AC का जो एक तरह से कहें कि जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ हैं वो या फिर AC का जो घर है, ऐसे चीज़ों से यानी कि ऐसे जगहों से निकलने के तुरंत बाद आप गर्मी में ना जाएं, क्योंकि इस दौरान जो है BP पीड़ितों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मरीजों को ब्रेन हेमरेज की भी शिकायत आ रही है। साथ ही साथ अस्पतालों में डॉक्टर का कहना है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ने वाला है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को यह भी हिदायत दी जा रही है कि AC वाले कमरे से निकलने के तुरंत बाद धूप में ना जाएं। कहा जा रहा है कि इस दौरान खूब पानी पिए। बता दें कि स्कूली बच्चों को धूप से बचने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टरों की तरफ से यह भी सलाह दी जा रही है कि आम इस दौरान जो है आम का पन्ना जो है उसका सेवन करें, साथ ही साथ खूब पानी पिए। तरबूज, खरबूज और खीरा जैसे फलों का सेवन करने की बात जो है कही गई है। लू से बचाव को लेकर यह भी कहा गया है कि इस दौरान जो है ये फल आपको राहत देगी। हो सके तो धूप से बाहर ना निकले, अगर निकलते भी हैं तो इस दौरान आपका पेट जो है वो भरा होना चाहिए। सीधी सी बात जो है मौसम विभाग की तरफ से भी ये कही गई है कि इस दौरान आपका पेट भरा हो या फिर आपके पेट में जो है पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। तो एक तरह से कह लें कि हीट वेव जैसे हालात प्रदेश के कुछ जिलों में है और कुछ जिलों में जो है बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम राजधानी पटना के दक्षिणी हिस्से की अगर हम बात करें तो इन जिलों में जो है हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया, वहीं उत्तरी बिहार में जो है बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिहार और बिहार से जुड़ी भी और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।